शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्वेता द्विवेदी पाठ्यक्रम क्रमांक 509 के जिस प्रकरण पर आज बात करूंगी, वह है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र एवं ग्लोब से शिक्षण। इस क्रम में हम पहले देखेंगे कि मानचित्र कहते किसे हैं, उसके पश्चात हम देखेंगे कि मानचित्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, मानचित्र के प्रयोग पर बात करेंगे, मानचित्रों के प्रकार की बात करेंगे, मानचित्र के कक्षा में उपयोग में लाने में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी हैं उनके बारे में बात करेंगे, मानचित्रों से क्या लाभ हैं इनके बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात हम ग्लोब की परिभाषा पर बात करेंगे कि ग्लोब कहते किसे हैं, ग्लोब के प्रकार की बात करेंगे, ग्लोब के उपयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियों पर बात करेंगे और ग्लोब के द्वारा शिक्षण किए जाने से क्या लाभ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो जो मानचित्र है वह उचित संकेत, मापक, दिशा प्रदर्शक, अक्षांश देशांतर रेखा जालक तथा उपयुक्त प्रक्षेप पर आधारित एक स्थिति दर्शक चित्र होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न चित्रों अथवा बड़े चित्रों का अत्यंत महत्व है। वास्तव में बिना मानचित्रों के प्रयोग के सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अर्थहीन, अपूर्ण तथा अधूरी है। सामाजिक विज्ञान की अधिकांश विषय सामग्री तथा अध्ययन मानचित्रों पर आधारित है। मानचित्र अगर हम देखें तो भूगोल जो शिक्षण है उसका प्राण है। भूगोल का शिक्षण मानचित्र के बिना नहीं किया जा सकता है और भूगोल की जो यह उन्नति हुई है वह मानचित्रों के प्रयोग के द्वारा ही हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में मानचित्र जो हैं वह एक शक्तिशाली अस्त्र के समान है। इसकी सहायता से किसी स्थान की जो स्थिति है, प्राकृतिक दशा है, जलवायु तथा अन्य सभी जो भी भौगोलिक बातें हैं वो सारी चीज़ें सरलता से पढ़ाई जा सकती हैं और इसकी सहायता से विद्यार्थी जो हैं वह अपनी कल्पना के आधार पर तथ्यों को ग्रहण करते हैं और जिन तथ्यों को हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है, विशेष रूप से जिनका अध्ययन कराना है, उनके लिए हम मानचित्रों की सहायता ले सकते हैं। साथ ही तुलनात्मक अध्ययन में भी इन मानचित्रों का बहुत ही अधिक महत्व है और जब हमें भौगोलिक वर्णन का संक्षिप्त सारांश देना हो उसमें भी हम मानचित्रों की सहायता ले सकते हैं। और अगर हम मानचित्रों को देखें तो मानचित्रों से जो हमारी पूरी कक्षा है, जो संपूर्ण कक्षा है, वह मानचित्रों को एक साथ देख सकती है और उनका लाभ उठा सकती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मानचित्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से तत्व हैं जो आवश्यक हैं और जिनके अभाव में कोई भी मानचित्र मानचित्र न होके एक साधारण चित्र हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वह संकेत है। मानचित्र में कोई भी चीज़ बहुत ही विस्तार से लिखना संभव नहीं है क्योंकि वह एक छोटा कागज का टुकड़ा होता है और इसके लिए विस्तार से लिखना संभव न हो पाने के कारण हम एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस क्रम में हम कम से कम स्थान में अधिक से अधिक सूचना देने का प्रयास करते हैं और ये संकेतों के प्रयोग के द्वारा कम स्थान में अधिक सूचनाओं का जो है उनका प्रदर्शन कर पाना संभव हो पाता है। जैसे राजधानी, प्रमुख शहर, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, वायुमार्ग, जलमार्ग, नदी, झील, तालाब, डेल्टा, ये जो सारे जो भौगोलिक तत्व हैं या जो ये सारी चीज़ें हैं उनको हम दिखाने के लिए मानचित्र में अलग अलग संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं दिए गए और जो उसके साथ ही हम संकेत सूचक देते हैं और इन संकेत सूचकों के सहायता से जो विद्यार्थी हैं वह हर एक संकेत के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है किसी भी मानचित्र में जिसका होना आवश्यक है वह है मापक। तो भूतल की जो वास्तविक दूरी है उसको कागज पर जो उसी रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है और भूतल की इस दूरी को कागज पर दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें मापक की आवश्यकता होती है। जो प्रत्येक वास्तविक इकाई दूरी के लिए हम एक काल्पनिक दूरी तय करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो धरातल का 1 किलोमीटर है उसको मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे और इस तरह से उस मानचित्र का जो पैमाना है, जो मापक है, वह
एक किलोमीटर बराबर एक सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही हम दिशा प्रदर्शक किसी मानचित्र में रखना जरूरी होता है। हम दिशा प्रदर्शकों के माध्यम से दिशाओं को मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य रूप से हम मानचित्र को दीवार पर लटकाकर विद्यार्थियों को दिखाते हैं और इसके ऊपर की ओर जो है वह उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। मानचित्र पर दिशा निर्देशक का संकेतक भी बना होता है, लेकिन सामान्य या वास्तविक उत्तर एवं पूर्व दिशाओं के साथ मानचित्र का तादात्म्य स्थापित करना अध्यापक के लिए आवश्यक होता है, ताकि विद्यार्थियों में कोई भ्रम ना रहे कि कौन सी दिशा मानचित्र में कहाँ पर है। और इसके साथ ही संकेतक वहाँ पे होना चाहिए दिशा प्रदर्शक से। साथ ही मानचित्र के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा जालक जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं। मानचित्र पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा जो हैं उसके जालक बने होते हैं। यहाँ पे शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि यह काल्पनिक रेखाएँ हैं और वास्तविकता में इन रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी मानचित्र पर इनका अंकन आवश्यक है ताकि इनके माध्यम से स्थानों की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। साथ ही इनकी सहायता से दूरी को ज्ञात किया जाता है, इनके आधार पर जलवायु का स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो इनके लिए अक्षांश और देशांतर रेखा जाल किसी भी मानचित्र पर होना अत्यावश्यक है। साथ ही जो अगला है वह प्रक्षेप संबंधी विवरण है, और बिना प्रक्षेपों के किसी भी मानचित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो गोलाकार पृथ्वी के तल या सतह को हम कागज़ के सपाट तल पर दिखाते हैं, और कागज़ के सपाट तल पर इनको प्रदर्शित करने के लिए विविध प्रक्षेपों को हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे जो हमारे ध्रुवीय प्रक्षेप हैं उनकी सहायता से हम पृथ्वी के ध्रुवीय भागों को दिखाते हैं, और जबकि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनकी सहायता से हम भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र हैं उनको दिखाते हैं। यदि जो भूमध्य रेखीय प्रक्षेप हैं उनका प्रयोग हम ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए करेंगे, और ध्रुवीय प्रक्षेपों का प्रयोग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए करेंगे तो हम उनको ठीक से नहीं दिखा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं और पृथ्वी की संरचना के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने के लिए अलग अलग प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है, और अगर हम इन प्रक्षेपों का प्रयोग नहीं करेंगे, इनको उपयोग में नहीं लाएंगे, तो मानचित्र का निर्माण संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र का प्रयोग हम किन चीज़ों में करते हैं। तो मानचित्र का प्रयोग हम स्थानों के जो बीच की जो दूरी है उनके बारे में जानने के लिए और दिशा का ज्ञान प्राप्त करने में करते हैं। साथ ही जलवायु के विषय में जानकारी देने में भी हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। धरातलीय बनावट तथा यातायात एवं परिवहन के साधन के बारे में सूचना देने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक संपत्तियों में तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग होता है। किसी स्थान की अवस्थिति को समझने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिचय, जनसंख्या घनत्व एवं खनिज तथा उद्योगों की जानकारी देने के लिए हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से मानचित्रों का प्रयोग हम कक्षा के अंत में करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो चित्रात्मक मानचित्र है। हम कक्षा में भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, सर्वेक्षण मानचित्र, ऑर्थोग्राफिकल मानचित्र, लपेट पथ मानचित्र, एटलस मानचित्र और स्मृति मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कक्षा में जब भी हम मानचित्र का उपयोग करें तो उस दौरान हमें कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो इस क्रम में हमको ये देखना है कि मानचित्र जो भी हम दिखा रहे हैं उसमें कोई भी विवादित तथ्य नहीं होना चाहिए। साथ ही जो मानचित्र है उसका आकार छोटा ना हो। यदि मानचित्र का आकार जो है वो छोटा होगा तो जो विद्यार्थी हैं और उसमें मुख्य रूप से जो विद्यार्थी पीछे की बेंच पर बैठे हैं उन विद्यार्थियों को मानचित्र देखने में कठिनाई हो सकती है। मानचित्र में जो प्रयुक्त रंग हैं वह उपयुक्त हों तथा वो मान्य हों। जो रंग किसी निश्चित ऊंचाई और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय एटलस द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं रंगों का प्रयोग हमें मानचित्र में करना है। साथ ही मानचित्र पर दिशाबोधक, मापक एवं अक्षांश देशांतर रेखा जाल अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही जब भी हम कक्षा में मानचित्र का प्रदर्शन करें तो उस समय अध्यापकीय स्पष्टीकरण अवश्य दें।
मानचित्र जो हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और स्पष्ट के साथ साथ संक्षिप्त होने चाहिए। अनावश्यक तत्वों का समावेश मानचित्र में नहीं होना चाहिए। वितरणात्मक तथ्य जो हैं जैसे जनसंख्या, उपज, उत्पादन हो गए, उनके प्रदर्शन हेतु जो मानचित्र हैं उनमें संकेत अवश्य दिए गए हों। साथ ही प्राकृतिक मानचित्र में राजनैतिक विभाजन को नहीं दिखाया जाना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक नाम से ही उसके तथ्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। मानचित्र जो हैं वो छात्रों का जो मानसिक स्तर है जो या उनका कक्षा का स्तर है उसके अनुकूल हों और मानचित्र में बहुत अधिक जटिलताएं नहीं होनी चाहिए। मानचित्र पढ़ाए जाने वाले जो समस्त तथ्य हैं जो को हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं वो उन सभी तथ्यों से संबंधित होने चाहिए। जैसे उत्पादन हो गया, व्यापार है, यातायात, संचार साधन, जलवायु, वनस्पति, इन सभी तथ्यों से संबंधित मानचित्र होने चाहिए। साथ ही मानचित्र का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो मानचित्र हम कक्षा में प्रदर्शित करें वह मजबूत हो, यानी कि उस पर कपड़ा जो है और लकड़ी है वो ठीक से लगा हुआ हो और उसे टांगने के लिए उचित व्यवस्था हो। किसी भी तरह से कोई भी फटा हुआ, स्पष्ट या असंतुलित जो मानचित्र है उसका हमें कक्षा में प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि वह गलत संकल्पना विद्यार्थियों को दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र से क्या लाभ होते हैं अगर हम मानचित्र का प्रयोग कक्षा कक्ष में करते हैं। तो मानचित्र के द्वारा किसी भौगोलिक तथ्य का संबंधीकरण उस स्थान से हो जाता है, अतः विद्यार्थी जो हैं उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। साथ ही दो या दो से अधिक स्थानों के मध्य यदि हमें तुलना करना हो तो इस क्रम में मानचित्र बहुत ही सहायक होता है। और यह जो तथ्य हैं जो तुलना के लिए, यह जलवायु हो सकता है या विकास का कोई भी चीज़ हो सकता है जहाँ पे हमें तुलना करना हो। साथ ही भौगोलिक तथ्यों को मानचित्र द्वारा अध्यापक जो है पुनः प्रस्तुत कर सकता है, उनका संक्षेपण कर सकता है और इन तथ्यों का स्थायीकरण जो है वो किया जा सकता है विद्यार्थियों में। इसके अलावा मानचित्र जो है विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण एवं अवधान को बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे कक्षा में जो अनुशासन संबंधी समस्या है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। साथ ही मानचित्र पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वह कक्षा कक्ष में पूछे जा सकते हैं और इनके परिणाम स्वरूप छात्रों में तर्क जो है, तर्क प्रवृत्ति का विकास होता है, वो तर्क कर पाते हैं, वे कार्य कारण संबंध को विश्लेषित करने में सफल हो पाते हैं। इसके अलावा जो मानचित्र है वह किसी क्षेत्र की स्थिति, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, प्राकृतिक दृश्य, जलवायु, वनस्पति जैसे सूचनाओं को सुनकर मात्र कल्पना करने से बचाता है और एक उसके लिए मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, और इसके द्वारा विद्यार्थी उन चीज़ों को, उन तथ्यों को आसानी से समझ पाते हैं। साथ ही जो विश्व में जो विभिन्न देश हैं उन देशों का राजनीतिक जो सीमांकन या हम विभाजन कह लें उनको मानचित्र द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। इसके साथ ही मानचित्र पाठन से छात्रों में सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास हो पाता है। मानचित्र उपज, उत्पादन एवं अन्य वितरणात्मक पक्ष को स्पष्ट करने में सहायक होता है। किसी भी प्रदेश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए जो एकमात्र साधन और माध्यम यह मानचित्र है। अब हम बात करेंगे मानचित्र के पश्चात ग्लोब के विषय में कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रमुख सहायक सामग्री है। इसे पृथ्वी का सबसे उत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है, क्योंकि भू आकृति को यह अधिक सही रूप से स्पष्ट करने में सक्षम होता है। प्रक्षेपों की अपनी कुछ सीमाएं हैं और प्रक्षेपों की इन सीमाओं की वजह से विभिन्न भू क्षेत्रों के आकार एवं क्षेत्रफलगत अशुद्धियों को दूर करने में जो ग्लोब है वह सक्षम होता है और इस कारण से इसे अधिक उपयोगी माना जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मानचित्र की अगर बात करें तो मर्केटर प्रक्षेप के आधार पर अगर कोई मानचित्र बना है तो उसमें ग्रीनलैंड का जो आकार है वह एक महाद्वीप के आकार से भी बड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लोब के प्रकार, और ग्लोब के ये प्रकार जो हैं इसके बारे में सबसे पहले हम उपयोगिता के आधार पर कि किस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं उसके आधार पर ग्लोब के कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें पहला है स्लेट ग्लोब,
और यह स्लेट का बना होता है जिसके कारण से हम इसे स्लेट ग्लोब कहते हैं। यह काले रंग का होता है और यह जल स्थल वितरण और अक्षांश देशांतर को समझने में सहायता करता है। अक्षांश देशांतर रेखांकन के लिए हम एक बहुत बड़े काफ़ी बड़े ग्लोब को प्रयोग में लाते हैं जिस पर बिंदु बने होते हैं और चौक की सहायता से हम इससे संबंधित जो रेखाएं हैं उनको खींचते हैं। और स्लेट ग्लोब के द्वारा हम यह भी समझते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वह काल्पनिक हैं, वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा कोई भी लकीर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जिन ग्लोब को हम देखते हैं वह उसमें दूसरा है प्राकृतिक ग्लोब जो कि धरातलीय उच्चावचन को प्रदर्शित करता है और उसके अलावा राजनैतिक ग्लोब और यह विभिन्न राजनैतिक विभाजनों को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर ग्लोब को। तो आकार के आधार पर हम ग्लोब को तीन वर्गों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है 16 इंच व्यास का ग्लोब जिस पर 1 इंच बराबर 500 मील का पैमाना अंकित हो। दूसरा है 19 इंच से लेकर 20 या 24 इंच तक के व्यास का विशिष्ट स्लेट या धातु का ग्लोब जो जल स्तर वितरण एवं अक्षांश देशांतर रेखांकन के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा 31 इंच व्यास का ग्लोब जिस पर मानचित्र पूर्ति का कार्य करना संभव होता है। और इनके अलावा भी कुछ बड़े आकार के लटकाने वाले ग्लोब होते हैं और उनको घुमाने के लिए उपकरण लगे होते हैं। साथ ही जब हमें प्रयोगात्मक पाठ हो कोई तो उसमें जो ग्लोब है वह अधिक उपयोगी अधिक कार्यकर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कक्षा में जब हम ग्लोब का उपयोग करें उस दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हमारी जो पाठ है उसकी आवश्यकता अनुसार हम ग्लोब का चयन करें। साथ ही कक्षा में ग्लोब का प्रयोग जो है वह मानचित्र या एटलस से पहले किया जाना चाहिए और इसका जो प्रयोग है वह कक्षा में बहुधा होते रहना चाहिए जिससे विद्यार्थी हैं पृथ्वी के सही आकृति को नहीं भूलें। क्योंकि मानचित्र या एटलस का जब हम प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों में यह संकल्पना विकसित हो सकती है कि जो पृथ्वी का तल है वो सपाट है, इसलिए हमें मानचित्र या एटलस से पहले जो है ग्लोब का प्रयोग कक्षा में कर लेना चाहिए जिससे विद्यार्थी जान जाएं कि पृथ्वी का सही आकृति क्या है। साथ ही हम ग्लोब का जो प्रयोग है वो प्रारंभिक कक्षाओं से ही हमें करना है। साथ ही ग्लोब का प्रदर्शन जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कक्षा में किया जा रहा है मात्र उनकी पूर्ति तक ही ग्लोब का प्रदर्शन कक्षा में किया जाना चाहिए। पृथ्वी गोलाकार आकाशीय पिंड है और इस अवधारणा को ग्लोब के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है और इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ग्लोब का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अक्षांश देशांतर दिन रात पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है इन सारे तथ्यों का ज्ञान जो है हमें ग्लोब के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। साथ ही जब हम स्लेट ग्लोब का कक्षा में प्रयोग कर रहे हों तो इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। वितरण इत्यादि जब हमको कक्षा में प्रदर्शन करना हो तो इसके लिए हमें बड़े आकार के धातु के ग्लोब का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हम छोटे ग्लोब का प्रयोग करेंगे तो कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उसके प्रदर्शन को नहीं देख पाएगा। और साथ ही हमें यह ध्यान में रखना है कि ग्लोब पर जो कुछ भी दिखाया जाए या ग्लोब के माध्यम से हम जो कुछ भी दिखाएं वह स्पष्ट हो और वह सही हो। अब हम बात करेंगे कि ग्लोब के क्या लाभ हैं। तो ग्लोब की सहायता से जल स्थल वितरण, पृथ्वी की गति, दिन रात, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण, ज्वारभाटा और सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की स्थिति, ऐसे भौगोलिक तथ्यों का जो निरूपण है वह हम अधिक स्पष्ट तरीके से कर पाते हैं। साथ ही प्रक्षेपों की अपनी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं की वजह से भू क्षेत्रों के आकार एवं क्षेत्रफलगत अशुद्धियों को दूर करने में ग्लोब सक्षम होते हैं। अतः विशेष पाठों के लिए यह जो ग्लोब हैं वह मानचित्रों से ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ग्लोब को हम एक पृथ्वी का छोटा कृत्रिम नमूना कहते हैं और इससे विद्यार्थी यह स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि जो पृथ्वी है वह गोल है, इसका ना तो कोई ऊपरी भाग है ना ही कोई निचला भाग है। और यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो तथ्य है, यह जो अवधारणा है, इस अवधारणा को हम मानचित्र या एटलस की सहायता से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो ग्लोब हैं इनका प्रयोग जो है हम छोटी कक्षाओं में, जो निम्न कक्षाएं हैं उनमें भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान में मानचित्र और ग्लोब के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण किया जाए और किस प्रकार से उनको प्रयोग में लाया जाए और इनसे क्या लाभ होते हैं, इस पर हमने बात की। इस क्रम में हमने मानचित्र की परिभाषा को देखा कि मानचित्र जो है वह एक स्थिति दर्शक चित्र होता है जिसमें पृथ्वी के किसी भाग को किसी मापक की सहायता से, जो उपयुक्त मापक हो उसके लिए, उसकी सहायता से हम कागज़ पर दिखाते हैं। मानचित्र के लिए दिशा निर्देश, अक्षांश, देशांतर, रेखाजाल और प्रक्षेप, इनका होना अनिवार्य है। इनके अभाव में कोई भी जो मानचित्र है वह मानचित्र नहीं कहा जाएगा बल्कि वह चित्र बनकर रह जाएगा। साथ ही हमने ग्लोब के बारे में बात की कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है जो हूबहू पृथ्वी की तरह है। इसके अतिरिक्त हमने कक्षा में मानचित्र और ग्लोब का उपयोग किस प्रकार किया जाए इसके बारे में बात की। और यहाँ पे हमने यह देखा कि जो ग्लोब और मानचित्र हैं वह एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ पे मानचित्र असफल होता है वहाँ पे हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं और ग्लोब पर भी सब कुछ दिखाना संभव नहीं है और इस क्रम में हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी की सही आकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है, वहीं पृथ्वी का कोई छोटा सा हिस्सा ग्लोब के द्वारा, जैसा हमने बात की, हम नहीं दिखा सकते हैं। और मानचित्र के द्वारा, जैसा हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वह गोल है, जिसे हम बोलते हैं जियोइड शेप की बात करते हैं, वह हम मानचित्र के द्वारा कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और तो इस क्रम में हम किस तरह से ग्लोब और मानचित्र को एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यह हमें अध्यापक के रूप में समझना होगा। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, फिर से हम अगली चर्चा में मिलेंगे। धन्यवाद।